सतना जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर परसमनिया के पठार की खूबसूरत वादियों के बीच जंगल में स्थित कर्दमेश्वर महादेव का अद्भुत शिव मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से मिट जाते हैं सारे दुख दर्द। यहाँ स्थित शिवलिंग की विशेष महिमा है। पौराणिक किंवदंतियों की माने तो यह स्थान महान तपस्वी कर्दम मुनि की तपोस्थली है, जहाँ कर्दम ऋषि ने घनघोर जंगलों में तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव स्वयं स्वयंभू अवतार में यहाँ प्रकट हुए थे। इसीलिए इन्हें कर्दमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग रहस्यों से भरा है। इनके दिन में 3 बार रूप बदलते हैं, जिनमें सुबह यह गहरे काले रंग के, दोपहर में शिवलिंग भूरा और शाम में अद्भुत चमकीला तेज शिवलिंग में होता है, जिसे देखने के बाद आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस मंदिर की महिमा अपार है। ये सनातनी स्थान है, कर्दमेश्वरनाथ स्वामी का स्थान है ये, कर्दम मुनि का। यहाँ पे जो है यमुना घनघोर जंगलों में तपस्या की, तब भगवान शिव ये स्वयंभू बन के यहाँ प्रकट हुए। इनके 3 रूप चेंज होते हैं, सुबह का रूप कुछ और है, दोपहर का रूप कुछ और है, शाम का रूप कुछ और है। तो ये कैसे रूप बदलते हैं? इनके रूप सुबह के आपको ब्लैक, दोपहर में भूरे, शाम को चमकते हुए कुछ नजर आएंगे। पंडित संतोष ने बताया कि कर्दम मुनि जब काफी वृद्ध हो गए, तब उन्होंने माँ नर्मदा का आवाहन किया और कहा कि माँ, अब मैं स्नान के लिए आपके पास नहीं आ सकता। और उनकी भक्ति से प्रसन्न माँ नर्मदा यहीं गौमुख से प्रकट हो गई, जिनकी अविरल धारा निरंतर बहती ही रहती है। कि जब कर्दम मुनि काफी वृद्ध हो गए तो उन्होंने कहा, माँ अब मैं नर्मदा जी नहीं आ सकता हूँ, उन्हें तो अंतर ध्यान होकर स्नान कराते थे, तो वो यहीं से प्रकट हो गई और जब से प्रकट हैं तो आज भी चल ही रही है। महान संतों की ऋषियाँ हैं, उनके बाद फिर यहाँ पे एक से एक ऋषियों की धरोहर है ये, और एक से एक सिद्ध संतों की यहाँ पे धुएं जलती ही रहती है। इस मंदिर को लेकर एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कर्मदेश्वर महादेव के आसपास बने मंदिरों में कोई भी किसी अन्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ अप्रिय घटनाएं घटित होने लगती हैं। हाँ, तो ये जब मंदिर बने, इन मंदिरों में जब स्थापना का समय आया तो उनके घरों में मौतें हो गई, तो यहाँ भगवान शिव किसी को बैठने नहीं देते हैं जी, इसलिए मंदिर खंडहर पड़े हैं। एक ये और एक कर्मदेश्वर महादेव का मंदिर परसमनिया के पठार में बसा हुआ है, जो चारों ओर से हरियाली और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। मंदिर की तलहटी में बहने वाला गौमुख और सुंदर पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मंदिर के समीप ही कुछ व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से सैलानी नेचर की खूबसूरती का दीदार करते हैं। गौमुख यहाँ कमेंद कुदरनाथ में, यहाँ हमेशा पानी चलता रहता है, गर्मियों में, ठंडियों में, बरसात में, हमेशा कभी पानी यहाँ बंद ही नहीं होता है, हमेशा पानी गौ के मुख से वहाँ से चलता रहता है। और कई लोगों ने, कई साइंटिस्टों ने यहाँ पता करने की कोशिश की पानी कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे चलता है, गड्ढे भी, पर आज तक कोई पता नहीं कर पाया है जी। कई बार गड्ढे भी खोदे गए थे यहाँ पर पता करने के लिए, और ये सबसे शुद्ध पानी। हफ्ते में एक आध बार हमारा टूर रहता है, आते हैं यहीं पे, बढ़िया हम लोग खाना पीना बनाते हैं, कक्कड़ वगैरह अपने हाथ से, रोटी वोटी सब ऐसे बनाते हैं बगैर बेली, बढ़िया कक्कड़ वक्कड़ बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एकदम मस्त। अच्छा भी हमें यहाँ बहुत लगता है, इधर आते हैं, यहाँ शंकर जी का स्थान है, आए नहाए बढ़िया, नहाने के बाद पूजा। यहाँ बढ़िया हरी भरी वादियाँ हैं, देखिए आप चारों तरफ पहाड़ है बढ़िया, यहाँ झरना है, गौमुख से पानी निकलता है, बहुत इतना अच्छा पानी यहाँ का, क्या बताया जाए। भीड़ लगती है अमावस में सोमवार में, बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि गजब भीड़ लगती है, यहाँ से देख नहीं पाते हम सीढ़ियों से, इतनी भीड़। मतलब कि शहर की चिपचिप चाल उससे बहुत अच्छा एकांत है, मतलब यहाँ का, यहाँ पर आ जाए मन की सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। हम लोग आज 10 बजे से आए हैं, आज टाइम अभी 4 बज रहा है, समय का पता ही नहीं चला, समय का पता ही नहीं चला।